हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉर्नर। और मैं शिखा गुप्ता आज आपके लिए एक इन दिनों रीसेंट वाला एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर आई हूँ। थोड़ा आपसे कम मुलाकात हो पा रही है इन दिनों यूट्यूब पर, क्योंकि थोड़ा मेरा पैर जो है वो टूट गया है, फ्रैक्चर हो रखा है मेरे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, आज ऐसे ही अपना स्टूडियो विजिट किया तो मैंने कहा आपके लिए भी चलो कुछ बना ही देते हैं। तो अभी इन दिनों देखो खूब बारिश हुई है ना, सभी जगह खूब बारिश हुई है, कई जगह तो एकदम ओले गिर गए हैं। और जैसा कि हमने देखा है स्नोफॉल हुआ है हमारी जो नदन स्टेट्स हैं उनमें। तो क्यों इस समय इतनी बारिश हो रही है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ध्यान देना शब्द पर, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उत्तरी पश्चिमी भारत में ही ये बारिश, स्नोफॉल, ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म ये सब हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में क्यों हो रहा है, उसकी वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। आप लोग कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन भी आए थे कि इस समय क्यों बारिश हो रही है, और जो ये बारिश हो रही है ये मानसून के किस प्रवृत्ति की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इस प्रवृत्ति को मानसून की जो ये प्रवृत्ति है इसे कहते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या पश्चिमी विक्षोभ बेसिकली होते क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं ये बेसिकली है आपके चक्रवाती वर्षा होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, ठीक है। अब ये जो चक्रवाती वर्षा होती है ये कैसे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हो सकती है, भाई आप बोलोगे कि मैम चक्रवात जो आते हैं वो तो या तो अरब सागर में आते हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आ रहे हैं और वर्षा साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत में ना होकर उत्तरी भारत में हो रही है, उत्तर पश्चिमी भारत में हो रही है। क्योंकि ये चक्रवात जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के नहीं है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ पर हो रही है, इन चक्रवातों की उत्पत्ति हो रही है भूमध्य सागर के ऊपर यानी कि मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। जैसे ये मान लीजिए भारत है और ये यूरोप है और इसके बीच में ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम है भूमध्य सागर या जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे ये जो चक्रवात होते हैं इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, यहाँ पर ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और ये चक्रवात जो है पछुआ पवनों या जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्नली, उनके साथ शिफ्ट हो जाते हैं उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर, ठीक है। कहाँ है उत्तर पश्चिमी भारत, ये उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर पछुआ पवनों के साथ ये शिफ्ट हो जाते हैं। अब पछुआ पवनों के साथ क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जो पछुआ पवने हैं उनकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर होती है, या इनफैक्ट हम उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें तो इनकी दिशा होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। तो यहाँ पर ये जो है ये शिफ्ट हो जाते हैं और इनकी शिफ्टिंग के कारण यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत पर वर्षा होती है। अब अगली चीज जो इसमें हमें समझने की है वो क्या है कि ये जो पछुआ पवने हैं ये जो चक्रवातों को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो चक्रवात उत्पन्न हुए हैं मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, भूमध्य सागर के ऊपर, ये चक्रवात उत्पन्न ही क्यों हुए हैं। तो देखो जब सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में यानी कि जब हम उत्तरी गोलार्ध यानी कि पृथ्वी के नदन हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं, इसमें जब सर्दियां हैं तो इसका मतलब सूर्य कहाँ चमक रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है यानी सदर्न हेमिस्फेयर में, या हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि मकर रेखा के आसपास यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जो है सूरज चमक रहा है। अब सूर्य सीधा वहां चमक रहा है उत्तरी गोलार्ध में सर्दियां हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी प्रेशर बेल्ट्स हैं, जितनी भी आपकी वायुदाबीय जो पेटियां हैं वो सब अपनी जगह पर हैं, यानी कि क्या होगा पूरी पृथ्वी पर जो वायुदाब की पेटियां हैं वो कैसे कैसे हैं, ये पूरी हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये है भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा, ये हमने मान ली 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 90 डिग्री, और दक्षिण में बात करें तो ये 30 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये अक्षांशों पे हम बात कर रहे हैं। अब इन अक्षांशों पे जब हम बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे हमें पता है क्या होता है, लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब होता है, 30 डिग्री पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है, 60 डिग्री पर लो प्रेशर होता है और 90 डिग्री पर हाई प्रेशर होता है, ऐसे ही नीचे होता है, सब ऑल्टरनेट होते हैं। ये क्यों होते हैं ये हमने कलर वीडियो में चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो अब
ये जो ऑल्टरनेट प्रेशर बेल्ट बनी हुई है, वायुदाब पेटियां बनी हुई है, इन वायुदाब पेटियों पर अलग अलग दिशा में क्या होता है, अलग अलग हवा चलती है, क्योंकि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो यहाँ पर ये पवने चल रही है इस तरीके से, ठीक है। इसके उत्तर में देखिए, यानी 30 से 60 के बीच में पवने ये चल रही है, इन्हें हम कहते हैं पछुआ पवने। ये है वेस्ट इंडीज, और जिनकी वजह से ये चक्रवात जो है भारत के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो 30 से 60 डिग्री के बीच में क्या बन रहा है, ये 30 डिग्री पर क्या है, हाई प्रेशर है, और 60 डिग्री के आसपास क्या है, लो प्रेशर। अब अगर हम अपने पुराने वाले उस पर चली तो आप देख सकते हो कि जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी है, ये ऑलमोस्ट जो है 50 डिग्री के आसपास, 45 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास स्थित है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, देखो उत्तर से आने वाली क्या है, ठंडी हवाएं, जो उत्तरी ध्रुवीय पवने आ रही हैं, या बोल सकते हैं साइबेरिया से आने वाली, यूरोप से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, और नीचे से सहारा की गर्म हवाएं। ये दोनों अलग अलग प्रवृत्तियों की जो हवाएं हैं वो भूमध्य सागर के ऊपर आकर मिलती हैं, और इसके कारण वाताग्र यानी फ्रंट्स का फ्रंट्स की उत्पत्ति होती है। फ्रंट्स क्या होते हैं हम अलग वीडियो में देखेंगे, पर आपको पता ही होगा कि जब दो विपरीत प्रकार की, दो अपोजिट नेचर की जब पवने आपस में आकर मिलती हैं, ठीक है, ठंडी और गर्म पवने, तो उनके बीच में एक दीवार जैसी स्थिति बन जाती है, जिसे हम फ्रंट्स यानी कि वाताग्र बोलते हैं। तो यहाँ पर एक वाताग्र की उत्पत्ति होती है, और वाताग्र जनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, चक्रवात बन जाते हैं। तो ये चक्रवात बन जाते हैं, इन बेसिकली चक्रवातों को हम क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। किस प्रकार के चक्रवात है, हमने देखा था ये है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यानी टेम्परेट साइक्लोन्स, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो वेस्टर्नीज होती हैं उनके यूजर से पूछा जा सकता है क्या इंपैक्ट होता है उनका क्लाइमेट पर, या अगर हम प्रीलिम्स टाइप एग्जाम की बात करें तो पूछ सकते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ है, वो किस प्रकार की वर्षा होती है। तो चक्रवातीय वर्षा होती है, वो भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर। इसके बाद ये पछुआ पवनों के द्वारा, वेस्टर्नीज के द्वारा उत्तर पश्चिमी भारत पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें आर्द्रता यानी मॉइस्चर और कहाँ कहाँ से आता है, तो एक तो मेडिटेरेनियन सी से आता है, बीच में यहाँ पर पड़ता है इसमें ब्लैक सी, इसके अलावा पड़ता है कैस्पियन सी। तो इनसे से ये भी क्या करते हैं, आर्द्रता ग्रहण करते हैं, किस किस से, ब्लैक सी से, काला सागर, और कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर से भी ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं और आकर वर्षा करते हैं। अब इनकी वर्षा से होता क्या है, ये जो वर्षा होती है, इस वर्षा के कारण जो है हमारे भारत की जो रबी की फसल होती है उसको बहुत फायदा होता है। रबी की फसल, सर्दियों में होने वाली फसल रबी की फसल होती है, जैसे कौन कौन सी होगी, गेहूं, चना, ठीक है, मटर। तो ये सारी जो रबी की फसल है उसके लिए ये वर्षा बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली गेहूं के लिए। और इसके कारण ये जो वर्षा होती है इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, यानी कि स्वर्णिम बूंदे कहते हैं हम पश्चिम भारत में, ठीक है, स्वर्णिम बूंदे इनको कहते हैं, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें जैसे ये वर्षा गिरती है तो वो पककर तैयार हो जाती है, फिर होली पे हम काट लेते हैं उसको। तो उम्मीद करती हूँ आपको इन दिनों जो ये बारिश हुई है समझ में आ गई होगी कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण हो रही है, क्योंकि बेसिकली एक चक्रवातीय वर्षा है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाइए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए, जिससे जब नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।